हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट निखिल त्यागी। आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टडी ऑफ लॉ। जिस चैनल की जो है @ स्टडी ऑफ लॉ SOL। SOL का मतलब है सोल्यूशन, मतलब जो लॉ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए SOL। दोस्तों, इसमें मेरी जो लॉ की चीज़ें हैं, लॉ में आपको मैं हर चीज़ का लॉ पढ़ाऊंगा जो नॉर्मल आदमी के लिए भी यूज होता है। जैसे चालान के सिलसिले में कि भाई चालान ऐसे है, कितने का होगा, कैसे होगा, लोक अदालत में चालान जाता है तो लोक अदालत में चालान कैसे होंगे, लोक अदालत के चालान कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से चालान जाते हैं, कौन कौन से नहीं जाते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं आपको जुडिशरी के लिए भी पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, इसमें आपको मोस्ट मोस्ट चीजें बताऊंगा, जैसे कि लोक अदालत कब लगेगी, किस दिन की लोक अदालत है, लोक अदालत में आप क्या कौन कौन से चीज के लोक अदालत है, या सिंपल कि भाई इलेक्ट्रिक बिल के लिए लोक अदालत है, चलानों के लिए लोक अदालत है, या MECT केस के लिए लोक अदालत है जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, या किसी सिविल केस के लिए लोक अदालत है। आपको मैं हर तरह का लॉ लेकर आपके सामने चलूंगा। नॉर्मल आदमी के लिए जैसे लोक अदालत के लिए क्या होता है, नॉर्मल आदमी को पता नहीं चाहिए लोक अदालत होती क्या है। और जना और दोस्तों, इसमें क्या है जुडिशरी के लिए, मैं आपको इसमें IPC, CRPC, एविडेंस, TPA और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेजर टू मेजर और माइनर, मैं आपको सारे सब्जेक्ट स्टेट वाइज जिस स्टेट का एग्जाम होगा उसके बारे में बताऊंगा कि स्टेट में कौन कौन से एग्जाम है और कौन कौन से लॉ पढ़ने आपको बहुत जरूरी है और बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। और सर, आपको सेक्शन ही पढ़ाऊंगा कि सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप IPC को देखोगे तो 511 सेक्शन है टोटल IPC में। 511 सेक्शन के लिए अब आप टोटल तो सारे सेक्शन पढ़ोगे नहीं, बिकॉज सारे यूजेबल भी नहीं होते, कहाँ कहाँ यूज करने होते हैं। तो इसमें मेन मेन सेक्शन होंगे, वो आपको बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है, ये प्री के लिए पढ़ना है और ये आपको मेंस के लिए पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेक्शन को कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद कैसे उसमें इलस्ट्रेशन, उसका दृष्टांत क्या होता है, उसमें केस लो कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट इंपॉर्टेंट है कि ये लैंडमार्क जजमेंट आती हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं जुडिशरी की भी तैयारी कराऊंगा। और दोस्तों, इसमें जुडिशरी की तैयारी करवाने के बाद और नॉर्मल आदमी के लिए मैंने आपको बता दिया कि लोक अदालत वगैरह ये यूज होती हैं, या भाई लोक अदालत किस चीज के लिए है, क्या क्या होता है। जैसे आप चलान की देख लो, चलान में सिंपल से दो चीजें होती हैं कि एक होता है नोटिस और एक होता है जो पुलिस वाले आपको स्लिप दे के जाते हैं। उन दोनों के बारे में भी, इनमें क्या फर्क होता है, क्यों करते हैं चलान ऐसा, कि कैमरे वाला इसको बोलते हैं कैमरे से हुआ है और दूसरा बोलते हैं कि नोटिस का हुआ है। दोस्तों, मैंने इसमें आपको सब कुछ नॉर्मल चीजें सारी जुडिशरी लॉ स्टूडेंट और प्लस में जो आम आदमी के लिए जो लॉ यूजेबल होता है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा इसमें। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9650767684। अगर आपको कुछ भी समस्या हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा फ़ोन नंबर भी है। और दोस्तों, ये मेरी मेल आईडी है। आपको मतलब अपने किसी केस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरी इस वाली मेल आईडी पे भी आप मुझे मेल डाल सकते हो, और देन आप मुझे उसके बारे में फ़ोन करके बता सकते हो कि मैंने आपको मेल डाली है और आप इसे मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, व्हाट्सअप कर लो, वो आपकी इच्छा होती है। दोस्तों, मेरा जो है चैनल का नाम, अगर आप इससे सर्च मारोगे स्टडी ऑफ लॉ तो इससे भी आएगा, और देन इससे मारोगे ये @ स्टडी ऑफ लॉ SOL पूरा, इससे भी मेरा चैनल आएगा।